हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास सेवेंथ एस एस टी हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन फिफ्थ के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्टली हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ द शाहजहानाबाद शाहजहानाबाद का फॉर्मेशन शाहजहाँ ने किया था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डू यू नो अबाउट दीवाने आम एंड द दीवाने खास दीवाने आम को पब्लिक हॉल ऑफ द पब्लिक ऑडियंस कहते थे और दीवाने खास को हॉल ऑफ द प्राइवेट ऑडियंस कहते थे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ देयर इज ए पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ दिस इट इज़ दिस इट इज दिस वेयर इज़ द फेमस लाइन एनग्रिफ्ट ये वॉल ऑफ दीवाने खास पर एंडग्रिव्ड है ये लाइन्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वॉज यूज बाई एक नाथ एंड द तुक्कार और एक नाथ जो कि एक भक्ति संत थे वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते थे मराठी लैंग्वेज को यूज़ करते थे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट मोन्यूमेंट बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ द देली सल्तनत दैली सल्तनत के थ्रू फर्स्ट मोन्यूमेंट बिल्ड किया था कुत उल इस्लाम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद राजपूताना मिनिएचर डेवलप हुई थी और पहाड़ी मिनिएचर डेवलप हुई थी फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है विच कैपिटल सिटी वॉज फाउंडेड बाय अकबर अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द शालीमार बाग एंड द निशात बाग सिचुएटेड शालीमार बाग और निशात बाग श्रीनगर में सिचुएटेड है डल लेक के पास फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेयर वुड यू फाइंड हवेलीज़ एंड द बाउलीज नेम द स्टेट रीज़न हवेली सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलती है और बाउली सबसे ज़्यादा हरियाणा में हरियाणा और गुजरात में सिचुएटेड है फिर नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं स्टूडेंट्स अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द इंट्रैक्शन ऑफ द टर्क्स विद द इंडियंस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एंड रिस्ड कल्चर जब टर्क्स इंडिया में आए थे तो उनका किस तरीके से इंडियन कल्चर के साथ इंट्रैक्शन हुआ था तो सबसे फर्स्टली है द टर्क्स ब्रॉट अरेबिक एंड द पर्शियन कल्चर जो टर्स थे वो अपने साथ अरेबिक और पर्शियन कल्चर लाए थे विद डैम विच इंट्रैक्शन विद द लोकल इंडियन ट्रेडिशन और पूरी तरह से असम्बलेट उन्होंने अरेबिक और पर्शियन कल्चर को कर दिया था इंडियन ट्रेडिशन के साथ में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है विच बिल्डिंग स्टाइल वर यूज बाय द दैली सुल्तान एक्सप्लेन ब्रीफली द दैली सुल्तान यूजड आर्क एंड द डोम आर्क इट मीन दिल्ली सुल्तान जब कोई भी बिल्डिंग बनाते थे तो बिल्डिंग्स को सॉलिड सॉलिड फॉर्म देने के लिए आर्क का यूज़ करते थे गुलाई का यूज़ करते थे और डोम इट मीन गुम्बद का यूज करते थे स्ट्रक्चर थे जो बिल्डिंग्स को पूरी तरह से सॉलिड फॉर्म देते थे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैंशन द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ म्यूजिक विच फ्लरिश ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर मुगल एम्पायर के टाइम में म्यूजिक के इंपॉर्टेंट फीचर थे नए राग्स डेवलप हुए थे ताल डेवलप हुई थी म्यूजिक फॉर्म्स डेवलप हुई थी और नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए थे इंडिया में और म्यूजिक की टू क्लासिकल फॉर्म डेवलप हुई थी सबसे फर्स्ट क्लासिकल फॉर्म है हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटक म्यूजिक डेवलप हुआ था जब मुगल्स इंडिया में आए थे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड मिडाइवल पीरियड में आर्ट का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था सबसे फर्स्टली है डोम्स का यूज़ किया गया था मिडाइवल पीरियड में आर्स का यूज़ किया था और ज्योमेट्रिकल शेप और फ्लोरल डिज़ाइन का यूज़ किया गया था फिर नेक्स्ट फ्रीली बोरोड हिंदू मोटिफ्स सच एज स्वास्तिक एंड द लोटस जो पूरी तरह से जो बिल्डिंग्स वगैरह थे उनको डेकोरेशन का काम किया जाता था उन पर डेकोरेशन के लिए स्वास्तिक और लोटस लगाए जाते थे इत में स्वास्तिक और लोटस जैसे स्टैच जो भी जो डिज़ाइंस थे वो बनाए जाते थे आग सपोर्टेड डोर्स एंड द विंडोज जो डोर्स और विंडोज थे उनको गोलाई दी जाती थी उन्हें सॉलिड फॉर्म देने के लिए फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वॉट वर द मेन लैंग्वेज स्पोकन यूज इन ड्यूरिंग दिस पीरियड इस पीरियड में जो इस कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोली जाती थी सबसे फर्स्टली पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस भी बोली जाती थी जैसे हिंदी बंगला मराठी वर्ड डेवलपिंग ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड दिस पीरियड इट मीन्स मिडाइवल पीरियड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाउलीस पीपल टू कंजर्व वाटर बट दैट इज़ नॉट ए थिंग इन ऑफ द पास्ट कि बाउंड्रीज कंज़र्व करने के लिए काम में आती थी लेकिन केवल पास्ट में ही ये चीज़ें यूज में नहीं होती थी वी स्टिल नीड टू कंजर्व वाटर हमें भी जो वाटर कंजर्वेशन की नीड है हमें वाटर कंजर्वेशन की नीड क्यों है प्रेजेंटली? तो so, सबसे फर्स्टली है कंजर्विंग वाटर इज ए इम्पॉर्टेंट वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट कीप्स वाटर प्योर एंड द क्लीन वेअर वाइल प्रोटेक्टिंग द एन्वायरमेंट कि अगर हम वाटर को क्लीन करेंगे क्लीन रखेंगे और प्योर रखेंगे तो उससे एन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो पाएगा फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है एन इंडिविजुअल नीड्स वन हाउस टू लीव इन देन वाइल्ड डेट द रूलर्स बिल्ड सो मैनी पैलेसेज इन द बिल्डिंग अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी नीड्स एक हाउस से भी पूरी हो सकती है तो फिर मिडाइवल टाइम में जो रूलर्स थे बहुत सारे बड़े बड़े पैलेसेस क्यों बनाते थे और बिल्डिंग्स क्यों बनाते थे इसका एक रीज़न देना है हमें तो इसका रीज़न सबसे पहले यही है द रूलर्स बिल्ट सो मैनी पैलेसेस एंड द बिल्डिंग्स बिकॉज एक्सप्रेस देयर पावर वो अपनी पावर्स को एक्सप्रेस करते थे और अपनी प्रॉस्पेरिटी को एक्सप्रेस करते थे बिल्डिंग्स और पैलेसेस के थ्रू तो स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियो इसमें क्लास सेवेंथ एस एस टी हिस्ट्री की क्लास में हमने लेसन फिफ्थ के लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं ये हमारा लास्ट वीडियो